ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़े और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़े। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों, तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाएं। इस आसन का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। शवासन। शव means the dead body. This asan is meant for complete relaxation. Lie down on your back with the arms and legs comfortably apart. Palms facing upward, eyes closed. Relax the whole body consciously. Become aware of natural breath and allow it to become rhythmic and slow. Remain in this position till you feel refreshed and relaxed. This asana helps relieve all kinds of tensions and gives rest to both the body and the mind. It is very beneficial in the management of stress and its consequences. अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए।
यदि आपको चक्कर आते हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।